भारत से कहा गया अपने दोस्त रूस से गद्दारी करो, लेकिन दुनिया के सामने मोदी ने पलट दिया गेम। मोदी ने एक साथ दुनिया के 60 देशों को दिया झटका, भारत के पीछे चीन को भी भाग कराना पड़ा। इस बार फिर से मोदी के मास्टर प्लान की वजह से भारत के दुश्मन देशों का सिर शर्म से झुक गया है। भारत को फंसाने के लिए इस बार दुनिया के करीब 60 देशों ने मिलकर खतरनाक प्लानिंग तैयार की थी। भारत को पहले बुलाया गया और इसके बाद सबसे करीबी दोस्त रूस के साथ गद्दारी करने के लिए कहा गया। भारत के एक फैसले से कुछ भी हो सकता था, लेकिन कहते मोदी हमेशा प्लान बी लेकर चलते हैं और यही प्लान बी इस बार भी काम आया है। दुनिया के 60 देश सिर्फ इंतजार कर रहे थे और भारत ने कुछ ऐसा कर दिया कि हिंदुस्तान के दुश्मन देशों का सिर शर्म से झुक गया। अब से ठीक एक साल पहले 24 फरवरी 2022 को रूस यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ था, लेकिन सच तो ये है कि ये जंग रूस और यूक्रेन के बीच नहीं, अब दुनिया के सिर्फ दो गुटों के बीच शुरू हो गई है। एक तरफ रूस और दूसरी तरफ अमेरिका सहित तमाम पश्चिमी देश हैं, जो किसी भी हालत में रूस को बर्बाद करना चाहते हैं और व्लादिमीर पुतिन को रोते हुए देखना चाहते हैं। भारत शुरू से ही रूस के साथ खड़ा हुआ है और यही बात अमेरिका सहित दुनिया के ज्यादातर देशों को खल रही है। दुनिया को पता है कि रूस अगर पिछले एक साल से युद्ध लड़ते हुए हार नहीं मान रहा है तो इसके पीछे की ताकत भारत है। भारत ने खुलकर समर्थन तो नहीं किया, लेकिन रूस को अकेला भी नहीं छोड़ा। पीएम मोदी ने जयशंकर को खुली छूट दी और एस जयशंकर ने ऐसी विदेश नीति तैयार की जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। रूस को भी बात पता है कि जब दुनिया उसका साथ देना छोड़ देगी, उस वक्त भारत उसके साथ भाई की तरह मदद करेगा। यही वजह कि पिछले एक साल के अंदर रूस ने अपना निवेश और व्यापार सबसे ज्यादा भारत के साथ बढ़ाया है। अमेरिका सहित पश्चिमी देश रूस भारत के इस रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं और इसीलिए फिर से सबसे बड़ी साजिश रची गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अचानक से यूक्रेन में शांति कायम करने के लिए वोटिंग कराई गई। जिस प्रस्ताव पर वोटिंग कराई गई वो रूस के खिलाफ था। इस प्रस्ताव को अमेरिका सहित पश्चिमी देश लेकर आए थे। जब ये वोटिंग हो रही थी, भारत भी सभा में मौजूद था। इस वोटिंग में रूस के खिलाफ वोट करने का मतलब था भारत रूस के खिलाफ चला जाता। भारत ने फिर से साफ कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदुस्तान अपने भाई रूस से गद्दारी नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में लाए गए रूस के खिलाफ इस प्रस्ताव पर भारत ने वोटिंग ही नहीं की। कुछ दिन पहले ही फ्रांस ने भारत से रिक्वेस्ट की थी कि सिर्फ एक बार ही रूस के खिलाफ वोट कर दे। इसलिए हर किसी को लग रहा था कि इस बार भारत कुछ ऐसा ही करने वाला है, लेकिन फ्रांस की अपील भी काम नहीं आई और भारत ने साबित कर दिया कि कुछ भी हो जाए, हिंदुस्तान रूस के खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जिससे दशकों पुरानी दोस्ती में दरार आए। यकीनन भारत के इस फैसले से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर भी बहुत खुश होंगे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भारत के साथ चीन भी रूस का समर्थन कर दिया है। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चीन सिर्फ भारत को खुश करने के लिए ऐसा कर रहा है। वैसे से लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। योगी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।